शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी ओनकार में। फिर से हाजिर हुआ कि नई जानकारी के साथ। गुरु मंत्र क्या होता है, कहाँ से मिलता है गुरु मंत्र? काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये प्रश्न आता है और इस प्रश्न को ढूंढने के लिए लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गुरु जो है वो कर्म से मिलता है। और गुरु मंत्र कहाँ से मिलता है? गुरु मंत्र किसी शरीरधारी इंसान यानी कि वह मनुष्य आपको मंत्र देता है जो साधना सिद्धि के क्षेत्र में स्वयं को ढाल चुका जाए, उस क्षेत्र में जो है चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ही ये ज्ञान आगे बढ़ता है। आप चाहे किसी भी संप्रदाय से आप लोग दीक्षित हो जाते हो, हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आपने गुरु बनाकर किसी को चलना है तो गुरु का पूर्ण रूप से आपको आज्ञा और गुरु कृपा दृष्टि पाने के लिए गुरु के द्वारा बताए गए नियमों की आपको पालना करनी पड़ती है। गुरु जैसे आपको मार्गदर्शन करता है या जैसे भी मार्ग देता है, जो मार्ग बताता है उस मार्ग पर आपको चलना पड़ता है। साधना के दौर में कठिन प्रकार की परीक्षाएं लगती हैं और परीक्षाओं के दौर में जो इंसान गुजरता जाता है, फिर उसके बाद उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिन सिद्धियों के माध्यम से वो किसी के बारे में यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान देख सकता है अथवा किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऊपरी प्राय विद्या या किसी प्रकार का बंधन है तो उसको काटने की क्षमता रखता है। जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं करे हैं उन लोगों को बता दूं कि गुरु जो है वो कर्म से मिलता है। तो कर्म के लिए आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर दो, या आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी, इनका पूजा जाप आप कर सकते हो, या आपके मन में किसी देवता के प्रति भावना है, झुकाव, आप उस देवता की पूजा अर्चना करते हो, तो सच्चे मन से आपने अरदास लगा देनी कि मुझे गुरु से मिलवा दो, मुझे शरीरधारी इंसान के स्वरूप में ही गुरु चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन कर सके और जिनके कहने पर मैं आगे चल सकूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट sanina.sharma.blogspot.com जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, 9891-5270 मेरा ही नंबर है। इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं, किसी के जान से मत फंसना। सभी धर्मों का दस्तावन करते हैं, व्यक्ति के द्वारे को ध्यान रखते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। लाइव चैट में सभी प्रश्नों के फ्री उत्तर, बाकी की सारी सर्विस पेड है, इस पर साधना के अनुसार ही बहुत प्रसाद रहता है। गुरु मंत्र का जाप आप लोगों ने जल का पात्र पास में रखना होता है, आप लोगों ने ज्योत प्रज्वलित करनी होती है, आसन के ऊपर विराजमान होकर रुद्राक्ष की माला के ऊपर आपने मंत्र जपना होता है। अगर आप सनातनी हो, सनातन धर्म को मानते हो और आप किसी सनातनी गुरु से दीक्षित हो जो कि 33 कोटि देवी देवताओं में से किसी भी दैविक शक्ति का उपासक हो, गुरु पूर्ण रूप से आपको ज्ञान देता है, गुरु की वाणी आपके मुख पे चलती है, गुरु के द्वारा दी गई सिद्धियाँ जब आपको प्रदान करी जाती हैं वो आगे चलती हैं और गुरुओं के द्वारा ही आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया जाता है। जिन लोगों ने देवताओं को ही गुरु मान रखा वो तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जगत गुरु जगत पिता हैं, वो पूर्ण रूप से अधूरे हैं, वो पूर्ण रूप से दीक्षित नहीं हैं। गुरु वो होता है जो कान में फूंक मारता है, कान में मंत्र देता है, मंत्र देने के बाद आपको उस मंत्र को किसी को बतलाना नहीं होता, अपने घर में भी नहीं बताना होता, गुरु के दिए मार्ग पे चलते हुए उस मंत्र का आपको नित्य जाप करना होता है और नित्य आपको नए नए अनुभव होते हैं। आदेश देश जय गुरु।